हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। तो इस आज के लेक्चर में हम सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन का जो एक सर्कुलर मोशन आपने डे टू डे लाइफ में कई बार देखा होगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स जब भी न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं तो वो एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन की। सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के अराउंड तो वो एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन की। और व्हील है एक्सल के अराउंड मूव करता है तो वो भी सर्कुलर मोशन है। फैन का मोशन इज़ अ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को डिस्कस करने के लिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए, जब हम लीनियर पाथ पे मूव करते हैं, एक वन डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, तो दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बट अगर कोई एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सर्कुलर पाथ में जो उसका मोशन है वो सेंटर से डिस्क्राइब होता है। तो जो बॉडी है सपोज करो वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड दिस पॉइंट ओ इन अ सर्कल हुज रेडियस इज़ आर। फाइन, तो बॉडी यहाँ से टी यहाँ से स्टार्ट हुई टी ज़ीरो इंस्टेंट से और कुछ देर बाद बॉडी की सर्कुलर मोशन में पोजीशन हो गई टी। तो पहली पोजीशन ए थी, फिर हो गई बी। तो जब बॉडी यहाँ से यहाँ गई, सपोज़ उसने थीटा डिग्री एंगल जो है वो सबटेंड किया, तो एंगल बॉडी ने कितना डिस्क्राइब किया, ठीक है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर से, तो उसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फाइन, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो बॉडी ने एंगल डिस्क्राइब किया है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन या कह लो सेंटर के साथ, इस सेंटर से बॉडी ने कितना एंगल डिस्क्राइब किया है इन ए गिवन टाइम इज़ कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना है थीटा, दिस इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फाइन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो रेडियन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन में मेज़र होती है। और इसे निकाल कैसे सकते हैं, थीटा इज़ इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क कौन सी है, ए से बी तक की, और रेडियस आर, ठीक है। और आर्क पूरी अगर हम देखें तो 2π रेडियन होती है। 2π रेडियन मतलब 360 डिग्री। और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये डायमेंशन लेस है, मीन्स m0 l0 t0, क्योंकि ऊपर भी रेडियस है नीचे भी रेडियस है, कैंसिल हो जाएगी तो आंसर बनेगा m0 l0 t0। फाइन, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद बड़ी सिंपल सी, एंगुलर स्पीड। हमने लीनियर स्पीड पढ़ी है, वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो एंगुलर स्पीड क्या होगी, ये होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मीन्स बॉडी ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की और गिवन टाइम में, मीन्स टाइम टेकन बाय द बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड। इसे एंगुलर स्पीड को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं ओमेगा से। ओमेगा इसका सिंबल है। तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा इन टाइम टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, ठीक है। डायग्राम वही सेम, इमेजिन कीजिए बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है और सेंटर से पहले ए पोजीशन पे थी टी टाइम पे, फिर बॉडी कुछ आगे चलेगी बी टाइम में, उसने टाइम लिया टी प्लस डेल्टा टी और एंगल सबटेंड किया डेल्टा थीटा, ठीक है। तो बॉडी की डेल्टा थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है अगर स्मॉल इंटरवल की बात करें, और टाइम इंटरवल डेल्टा टी है जिसमें उसने डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट कवर की है। तो ओमेगा, ओमेगा मतलब उसकी एंगुलर स्पीड किसके इक्वल होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टाइम। डेल्टा थीटा का यूनिट है रेडियन, टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो ओमेगा का यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड। इसमें सिर्फ टाइम है तो इस क्योंकि डेल्टा थीटा का तो कोई यूनिट नहीं है तो इसकी डायमेंशन होगी m0 l0 t-1। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि बॉडी ने जब वन कंप्लीट रोटेशन कर ली, मीन्स टाइम कितना लगा एक कंप्लीट रोटेशन करने में, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, ठीक है। और टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। अब हम रिलेशन निकालेंगे बिटवीन ओमेगा एंड टी, रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा एंड टी। ओमेगा क्या है, बॉडी की एंगुलर स्पीड। तो देखो, लेट ए पार्टिकल कंप्लीट वन रोटेशन इन टी टाइम, एक रोटेशन करी उसने टी टाइम में कवर, तो उसकी एंगुलर जो स्पीड है वो होती है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। ओमेगा मीन्स पूरी रोटेशन करनी है तो एंगल डिस्क्राइब होगा 2π का, थीटा इज एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पूरी बॉडी जब एक रोटेशन लेगी तो पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, मीन्स 2π का, 2π बाय टी। तो ओमेगा और टी में क्या रिलेशन आया, ओमेगा होता है 2π बाय टी, रेडियन पर सेकेंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेव्स एंड ऑसिलेशन में आप बार बार पढ़ेंगे।
ओमेगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड विच इज़ इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर बॉडी एक कंप्लीट रोटेशन लेती है थीटा इज़ टू पाई बाय टाइम, तो ओमेगा इज़ इक्वल टू टू पाई बाय टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज़ फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी है उसका मतलब होता है कि एक सेकेंड में बॉडी कितनी रोटेशन कंप्लीट करती है। फ्रीक्वेंसी मतलब द नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन वन सेकेंड। एक सेकेंड में बॉडी ने कितनी बार ऑसिलेट किया किसी भी पोजीशन के अराउंड या मेन पोजीशन के अराउंड, तो उसे बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल ऐसे न्यू है, दिस इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम क्या, ओमेगा क्या था, टू पाई बाय टी। तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा है टू पाई बाय टी, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं टू पाई इंटू वन बाय टाइम। तो ओमेगा बन गया टू पाई, वन बाय टाइम इज़ फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इज़ इक्वल टू टू पाई न्यू। ये एक रिलेशन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सिंपल फ्रीक्वेंसी के बीच में। एंगुलर वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फाइन। ओमेगा इज़ इक्वल टू टू पाई न्यू, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो मैग्नीट्यूड है किसके इक्वल है, टू पाई न्यू, और इसकी जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फाइन। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है, एंड ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई न्यू, ऑल्सो ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाय टाइम। दीज आर इम्पॉर्टेंट रिलेशंस, फाइन। अब हम रिलेशन निकालते हैं बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। जो एंगुलर स्पीड है मैंने अभी आपको ऊपर बताया ओमेगा, वो होती है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टाइम। ठीक है, ये अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। और जो लीनियर स्पीड होती है वी, वो होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो लेट किया जो बॉडी है वो डेल्टा एस से डिस्प्लेस हुई है डेल्टा टी टाइम में। ठीक है, डायग्राम में मैं आपको दिखा रही हूँ, बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुई, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एस है, और ये डेल्टा टी, ये रेडियस आर। तो जो डेल्टा एस है ये है आर्क, एंगल इज़ इक्वल टू, एंगल इज़ इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है ना, तो आर्क कितनी है, डेल्टा एस बाय आर। तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा इंटू आर। थीटा की जगह मैं डेल्टा थीटा लिख रही हूँ क्योंकि मैंने आर्क को डेल्टा एस लिया है। तो वी की जो वैल्यू बन गई डेल्टा एस है डेल्टा थीटा इंटू आर और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी किसके इक्वल है, ओमेगा के। तो वी का आंसर क्या बना, आर ओमेगा। और ये जो वी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मुझे इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो मैं लिखूँगी वी इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी वी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइन। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है ए, उसकी वैल्यू होती है वी स्केयर बाय आर। ये जो वैल्यू है ये आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स तो मैं आपको पहले ही फ्रिक्शन के चैप्टर में बता चुकी हूँ, उसकी वैल्यू होती है एम वी स्केयर बाय आर, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इन टू ए। सो एम जो एम है वो एज इट इज़ एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करती थी वी स्केयर बाय आर। तो ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड यही है। इन दोनों की मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की, तो कंसेप्ट मैं आपको वहाँ पे बता चुकी हूँ, फाइन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में हम देख रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ये इस टॉपिक को भी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन ख़त्म करते हैं जो इसी टॉपिक की टर्मिनोलॉजी से डील करती है। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मींस एंगुलर वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसे बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा से रिप्रेजेंट होती है, और वो है एंगुलर वेलोसिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी थीटा बाय डी टाइम। तो ये ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चे रिप्रेजेंट होती है अल्फा से, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट होती है, मैंने अभी लिखी है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अब एक्सेलरेशन जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन वो है एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, यहाँ पर अल्फा आएगा, अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी बाय एंगुलर टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इज डी ओमेगा बाय डी टी।
डी बाय डी टी, ओमेगा जो है वो है डी थीटा बाय डी टी, सो आंसर बना डी स्केयर थीटा बाय डी टी स्केयर विच इज़ इक्वल टू एल्फ़ा। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो रिप्रेजेंट होती है अल्फ़ा से। ये मैंने जो वैल्यू लिखी एंगुलर एक्सेलरेशन की, एंगुलर वेलोसिटी बाय एंगुलर टाइम, एंगुलर वेलोसिटी है डी ओमेगा बाय डी टी एंड ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। तो फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, ओमेगा की वैल्यू डी थीटा बाय डी टी पुट करके मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल दी। इसका जो यूनिट है वो है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम रिलेशन निकालते हैं बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन। तो वो रिलेशन देखिए, ए जो है एक्सेलरेशन वो होती है डी वी बाई डी टी, तो एक्सेलरेशन डी बाई डी टी, वी की वैल्यू पिछले आर्टिकल में मैंने आपको बताई आर ओमेगा, एज इट इज़ लिख दिया, ए इज़ इक्वल टू डी बाई डी टी, आर को बाहर कर दिया, अंदर बचा ओमेगा, डी ओमेगा बाई डी टी, अभी ऊपर बताया डी ओमेगा बाई डी टी एल्फ़ा के इक्वल है, तो आर एल्फ़ा। तो जो लीनियर एक्सेलरेशन है ए वो किसके इक्वल है, वेक्टर प्रोडक्ट में अल्फ़ा मींस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर, और वी किसके इक्वल था आर ओमेगा, एक्सेलरेशन किसके इक्वल है अल्फ़ा क्रॉस आर मींस आर अल्फ़ा। ठीक है, तो बाकी का कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।